तलहा व्लॉग्स एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, सब ठीक ठाक हैं? आज मैं ढाबा स्टाइल जीरा राइस दाल और चिकन तल रही थी, लेग पीस। तो मेरी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले क्या करी हूँ, 100 ग्राम दही ली हूँ। उसके अंदर मैं एक चमचा भर के धनिया पाउडर डालूँगी, हरी मिर्ची का पेस्ट मिलाऊंगी, एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक चम्मच थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम, ये चिकन मसाला डालूंगी, चिकन 65 मसाला है बहनों, और नींबू का रस डालूंगी मैं, नमक डालूंगी 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, छोटा चम्मच है मेरा, 3 टीस्पून डालूंगी भर के, तेल डालेंगे हम थोड़ा सा, एक अंडा डालेंगे अपन, मैं 3 चम्मच मैदा डालूंगी, दो चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर डालूंगी। अपन ये रेडीमेड कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, हम इसको मिक्स कर लेंगे पूरा। मेरे पूरे ये 2 किलो लेग पीस है, ऐसा बीच में से कटिंग कर दी हूँ, कट मार दी हूँ मैं पूरे, इसमें लेग पीस इसी में पूरे डालूंगी। मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ बहनों, हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। अब मैं पूरे लेग पीस को मसाला लगा चुकी हूँ मैं, अब मैं इसको थोड़ा सा इसका कोयले का दीवा दूंगी इसको मैं, क्योंकि हमारे चिकन में थोड़ा सा तंदूर का टेस्ट आए। मैं कटोरी में कोयले डाली हूँ, अब मैं इसके ऊपर तेल छोड़ूंगी थोड़ा सा, मैं ढक्कन से ढाप दूंगी इस पर। मैं अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे की स्टेप की तरफ। हमारे चिकन को 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ, पूरी मसूर की दाल ली हूँ मैं 1/2 किलो के करीब करीब। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, थोड़ी प्याज डालूँगी और टमाटर डालूंगी, थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, चा भर के हम अदरक लहसुन डालेंगे, मिर्ची का पाउडर डालेंगे हम थोड़ा सा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा करिया पत्ता डालेंगे हम इसमें। अब हम इसको मिक्स करके गलने के लिए छोड़ देंगे। मैं जीरा राइस जो बना रही हूँ वो ढाबा स्टाइल बना रही थी, तो मैंने इसको सादे चावल नमक डाल के पका ले के निथारी हूँ। अब मैं दम दे रही थी ये चावल को, तो उसके अंदर मैं थोड़ा तेल डालूँगी, एक दफ़ा ट्राई कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी है मेरे स्टाइल से। अब इसको हम मिक्स करके दम देंगे, उसके बाद के स्टेप को मैं आपको बताती हूँ। हमारी दाल पक रही है, अभी थोड़ा सा करीब आना है ना, हम इसमें पानी थोड़ा सूखने के बाद जब हम आपको आगे का स्टेप बताते हैं। हमारी दाल पक चुकी है, पानी भी पूरा सूख चुका है, तो मैं इसको दाल घोट रही हूँ, इसमें मैं मोटा नमक डालूंगी,
मैं दाल घोर चुकी हूँ, अब उसके अंदर मैं पानी डालूंगी। हम ये दाल गाढ़ी बनाएंगे। दाल घोट ली हूँ मैं और पानी भी डाल चुकी हूँ, और मेरे हिसाब से ये दाल बराबर है। अब हम इसको दाल को ज़रा अच्छी तरीके से पकाएंगे। पकाने के बाद हम ऊपर से बघार देंगे। इसकी थिकनेस देखिए आप लोग कैसी है, ऐसी दाल नहीं है। पकती हुई दाल में हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, बारीक चॉप करी हूँ मैं, और थोड़ा कोथमीर पुदीना डालेंगे, चार हरी मिर्चियाँ डालेंगे। इसको मिक्स करके हम उसका उबाल आए तक हम उसको पकाएंगे। हमारी दाल पकने तक हम चिकन तल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, हमारा एक तरफ का चिकन पक चुका है। अब हम इसको मीडियम आंच पे तलेंगे, क्योंकि हमारा चिकन अंदर से भी गलना है। रही है, अब हम बघार देंगे इसको। अब हम दाल का बघार दे रहे हैं। मैं तेल के अंदर थोड़ा सा असली घी डालूंगी। अब इसके अंदर हम थोड़ी प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, सूखी मिर्ची डालेंगे। हम बघार को कड़क करेंगे पहले। राई जीरा डालेंगे, थोड़ा सा करिया पाक डालेंगे। अब हम ये बघार दाल के अंदर डाल देंगे। हमारा चिकन हो चुका है। जीरा राइस का तेल गरम हो चुका है, हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा करिया पत्ता डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे। हमारा करिया पत्ता कुछ सॉटे हो चुका है। अब हम जो चावल दम दे के रखे थे वो इसी में शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डालेंगे। हम मिक्स करेंगे इसको। हमारा चावल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। सेम ढाबा स्टाइल बनाई हूँ मैं यूनिवर्स मेरे। मैं दाल को डिश आउट कर रही हूँ। दाल डिश आउट करी हूँ, अब ऊपर से मैं थोड़ा सा ये बघार दूंगी। मैं ये लेग पीस भी जमा दी हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोग को कैसे दिख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई बात आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हैं, आप लोग बताइए। और आप लोगों की कुछ भी रेसिपीज़ की कोई ख्वाहिश है तो मैं वो भी आप लोगों के सामने शामिल कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।